वेलकम बैक टू कॉमन एकेडमी। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन, और यहां पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ेंगे माइक्रो, जो आपका माइक्रोफोन है वो क्या होता है। माइक्रोफोन होता क्या है बेटा? माइक्रोफोन एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो कि माइक्रोफोन एक ऐसी डिवाइस है जो साउंड वेव को क्या करती है, यानी जो साउंड वेव है हमारी, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि वेव होती क्या है। ठीक है, वेव क्या होती है, डिस्टर्बेंस इन मीडियम, यानी किसी माध्यम में क्या होता है, किसी माध्यम में अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है किसी माध्यम, जैसे अगर हम एक एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल देते हैं कि आप देखो वेव कैसे जनरेट होती है। तो अगर जैसे कोई नदी है, कोई तालाब है, तो आप क्या कर रहे हो, उसमें एक स्टोन फेंक दो, पत्थर फेंक दिए, पत्थर फेंकते हो तो उसमें क्या हो जाता है, उसके जो मॉलिक्यूल है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे पानी के जो कण हैं वो क्या होते हैं, डिस्टर्ब होना शुरू करते हैं, तो एक वेव जनरेट होना स्टार्ट कर देती है। मतलब जो वेव, जो मतलब एक डिस्टर्बेंस जो प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी माध्यम में, जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुआ उसी को हम क्या बोलते हैं, वेव होता है। अब हम साउंड कहां से प्रोड्यूस करते हैं, साउंड हम वोकल कॉर्ड से करते हैं, यानी हिंदी में उसको बोलते हैं कंठ से, है ना। तो जो साउंड वेव, जो हम अपनी साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसको क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, उसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल या एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोफोन। इसे हम लोग माइक भी कहते हैं, ये हमारा जो है ये माइक भी है। माइक्रोफोन जो होता है अलग अलग, जैसे जैसे हम अभी यूज कर रहे हैं ये माइक्रोफोन, हम क्या यूज कर रहे हैं कि हम ये जो माइक्रोफोन है, यानी हमारा ये जो माइक है, ये सिस्टम जो आपका है, ये माइक्रोफोन है, ये किस लिए वर्क कर रहा है, हमारी साउंड को पहले तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जैसे ही ये कन्वर्ट होता है तो आप तक ये आवाज जाती है, तो आप क्या लगाए होते हो, आपके यहाँ एक और ट्रांसड्यूसर होता है। ये सारे कौन से हैं, आपके ट्रांसड्यूसर हैं, और ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो जब ये एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये ट्रांसड्यूसर यानी माइक्रोफोन जो है वो क्या कर रहा है, साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। और जो आपका जो होता है स्पीकर होता है, वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करता है, किसमें, आपका साउंड सिस्टम में। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, माइक्रोफोन एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, सॉरी साउंड सिग्नल को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोफोन कहते हैं। जनरल हम आम भाषा में इसे माइक भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा सबसे बड़ी बात, लास्ट क्लास में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया था, यहां पर सबसे ज्यादा माइक्रोफोन का इस्तेमाल कहां पर होता है, तो सबसे ज्यादा अगर हम माइक्रोफोन की बात करें तो हमारे सेल फोन में होता है, मोबाइल फोन में, टेलीफोन में, यहां पर हमारे सबसे ज्यादा माइक्रोफोन की जरूरत होती है। क्यों होता है ये माइक्रोफोन, करते क्या है इसका माइक्रोफोन का, जैसे ही हम किसी को बात करते हैं तो बोलते हैं हेलो, तो वहां पे माइक की जरूरत होती है, तभी हमारा साउंड इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है और दूसरे पर्सन तक, जहां तक जो चैनल के माध्यम से ट्रांसमिट और रिसीव होता है। आप तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, आपको पता भी होगा कि जो दो चैनल होते हैं, तो एक ट्रांसमीटर होता है, दूसरा रिसीवर होता है। तो जैसे ही ट्रांसमीटर से सिग्नल क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, तो रिसीवर तक वो क्या होता है, रिसीव होता है। तो वहां तक साउंड जाने के लिए हम क्या करते हैं, साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक। इज दैट क्लियर? तो सबसे ज्यादा जो फोन इसका यूज होता है, टेलीफोन में, हियरिंग एड्स में, पब्लिक एड्रेसिंग, मतलब जो नेता भाषण देते हैं, तो वहां पर भी वो क्या यूज करते हैं, माइक का। क्यों? क्योंकि साउंड को इलेक्ट्रिकल और दूर दूर तक ये साउंड आपका प्रोड्यूस हो जाए, तो वहां पर पब्लिक एड्रेसिंग में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। दूसरा, कंसर्ट हॉल होता है, जो हमारे हॉल है या पब्लिक इवेंट होता है, वहां पर भी हम लोग माइक का यूज करते हैं। ठीक है, साउंड क्लियर है ना आपको, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, कंटिन्यू आपकी जो क्लासेस हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो कंटिन्यू क्लासेस हैं आपकी, कल से कंटिन्यू जो क्लासेस होंगी, चाहे वो मैं एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊं एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, या फिर आपके जो थोड़े से थ्योरेटिकल पोर्शन अभी रिमेनिंग है उसको हम यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे, डेली आपकी क्लासेस 5 बजे ही चलेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, मोशन पिक्चर प्रोडक्शन में भी किसी को ये जो हम लोग माइक का यूज करते हैं,
तो मोशन पिक्चर प्रोडक्शन में भी करते हैं, लाइव रिकॉर्डेड, जैसे अभी मैं आप लाइव रिकॉर्डेड कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लाइव रिकॉर्डेड में भी हम लोग माइक्रोफोन का यूज करते हैं। ऐसे हम लोग बहुत से एरिया में, जैसे कि साउंड रिकॉर्डिंग, टू वे रेडियो, टू वे रेडियो जो होता है हमारा, टू वे रेडियो क्या होता है, वॉकी टॉकी जो होता है, ठीक है, जिसमें वहां पर भी माइक का यूज होता है, क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले हाँ सूरज, आशुतोष, ठीक है, क्लियर है आपको, ठीक। नेक्स्ट जो आपका है मेगाफोन्स में भी इसका बहुत ज्यादा ब्रॉड एरिया में इसका यूज होता है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होती है, टेलीविजन होता है, कंप्यूटर फॉर वॉइस रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए हम लोग इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की, माइक्रोफोन के हिस्ट्री की बात करते हैं। तो जो माइक्रोफोन की हिस्ट्री है, सबसे पहले जो माइक्रोफोन बनाया, देखिए यहां से क्वेश्चन बन सकता है बेटा आपका, सबसे पहले माइक्रोफोन को किसने बनाया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा एक टेलीफोन ट्रांसमीटर के रूप में 1876 में। सबसे बड़ी बात यहां पर क्वेश्चन क्या बनता है कि ये जो ट्रांसड्यूसर है, पहली बार जो माइक्रोफोन की बात अगर करते हैं, तो जो माइक्रोफोन पहली बार बनाया गया जैसे किसी भी रूप में, आज तो हम लोग अलग अलग ब्लूटूथ लगाकर चलते हैं, हेडफोन लगाकर चलते हैं, तो उसके साथ माइक, अलग अलग माइक यूज करते हैं, ये सारे माइक्रोफोन जो हैं उससे पहले नहीं बनाए गए। सबसे पहले किसने बनाया था ये माइक्रोफोन, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बनाया था। और यहां से हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन हो जाता है, क्या हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन होता है कि सबसे पहली बार जो माइक्रोफोन है वो कब बनाया गया था, कब बनाया गया था, तो पहला क्वेश्चन 1876। जो अगर हम एमसीक्यू क्वेश्चन की बात करें, तो सबसे पहले हमारा जो बना था आपका 1876 में, ठीक है। संदीप कुमार प्रजापति, गुड इवनिंग, ठीक है। चलिए अब क्या है कि जो अब सबसे पहली बात, यह एक लिक्विड डिवाइस थी जो कि उतनी प्रैक्टिकल नहीं थी, ठीक, मतलब स्टार्टिंग में जब ग्राहम बेल ने इसको बनाया था 1876 में, तो यह एक लिक्विड डिवाइस थी, ठीक है, जो उतनी ही प्रैक्टिकल नहीं थी, मतलब उतनी कारगर नहीं थी जिस हिसाब से आज माइक्रोफोन हमारे यूज हो रहे हैं, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, बाद में सन 1886 में, 10 साल बाद, सीधे 1876 के बाद 1886 में थॉमस एल्वा एडिसन, कहीं कहीं हम लोग ये भी पढ़ लेते हैं कि जो थॉमस एल्वा एडिसन जो माइक्रोफोन की खोज की है, अगर हम बात करते हैं तो कभी कभी ये हो जाता है कि माइक्रोफोन की खोज जो की है थॉमस एल्वा एडिसन ने की है ना, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में आता है कि सबसे पहले माइक्रोफोन की खोज किसने की है, तो वो की है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, कब की है, 1876 में, ठीक है, कब की है, 1876 में। उसके बाद अगर उसके ठीक 10 साल बाद 1886 में थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था क्या, पहला कार्बन माइक्रोफोन डेवलप किया था जो कि प्रैक्टिकल था, जो कारगर था, जैसे आज के हमारा ये माइक्रोफोन है ये बिल्कुल कारगर है। तो इस तरीके से ठीक है, इस तरीके से ये जो हमारा पहला कार्बन माइक्रोफोन डेवलप था वो क्या था, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल था, ठीक है। तो इसको किसने खोज किया था, थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था, इज दैट क्लियर। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन माइक्रोफोन का यूज जो होना स्टार्ट हुआ, कार्बन माइक्रोफोन का यूज शुरुआत में रेडियो ट्रांसमिशन के लिए यूज हुआ, जैसे आप देखते हो बॉर्डर पर आप जाते हो तो रेडियो ट्रांसमिशन का मतलब अपनी वॉइस को एक जगह से दूसरी जगह तक, वॉकी टॉकी जिसको बोलते थे हम लोग, उसका यूज करते थे। तो सबसे पहले कार्बन माइक्रोफोन का यूज उसी रेडियो ट्रांसमिशन में हुआ, ठीक। आपके लिए यहां से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे पहले कार्बन माइक्रोफोन का यूज कहां किया गया था, तो वो हुआ था रेडियो ट्रांसमिशन और टेलीफोन ट्रांसमिशन में हुआ था, मतलब टेलीफोन ट्रांसमिशन में और रेडियो ट्रांसमिशन में हम लोग यूज करते थे किसका, आपका यहां पर कार्बन माइक्रोफोन का। तो देखिए आप ऑप्शन क्वेश्चन पहले क्वेश्चन करते हो फिर आंसर, यहीं से क्वेश्चन और आंसर भी हम लोग करते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे, पढ़ना अलग चीज है, पढ़ते पढ़ते जाएंगे और इसको डिस्कस करते जाएंगे कि क्वेश्चन क्या बन सकता है हर टॉपिक पर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कार्बन माइक्रोफोन की बात करें, तो पहला क्वेश्चन हम आपसे फिर से एक बार रिमाइंड कराते हैं
कि पहली बार सबसे पहले ग्राहम बेल ने 1876 में जो माइक्रोफोन की खोज की थी उसके ठीक 10 साल बाद 1886 में थॉमस अल्वा एडिसन ने पहला कार्बन माइक्रोफोन बनाया था, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि पहला जो माइक्रोफोन था उसका जो यूज हुआ था वो किसके लिए हुआ था, रेडियो ट्रांसमिशन के लिए यूज हुआ था और टेलीफोन ट्रांसमिशन के लिए यूज हुआ था, ठीक है। अब कार्बो माइक्रोफोन में पहले की जो कार्बो माइक्रोफोन थी उसकी फ्रीक्वेंसी की लिमिटेड रेंज थी, है ना, ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा दूर तक या बहुत ज्यादा ये काबिल हो जाता था, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी ना बहुत ही लिमिटेड थी। अब जो होता है यह म्यूजिक को प्रभावपूर्ण तरीके से रिप्रोड्यूस नहीं करता था। जैसे अगर हम किसी चीज को बोलते थे, आज हमारे जो माइक के क्लियर है, अब देखिए फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं दो तरीके की। अगर हम बोलते हैं माइक ले जाओ तो आप क्या करो, अच्छे क्वालिटी का माइक लो, ठीक। अच्छी क्वालिटी का मतलब क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी की मतलब होती है, किस फ्रीक्वेंसी पे वो वर्क करता है इस पर डिपेंड करता है कि आपकी माइक की क्वालिटी क्या है। वो बिल्कुल सिग्नल स्मूथ होना चाहिए, मतलब ये क्या कर रहा है, साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बिल्कुल स्मूथली कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, स्मूथली कन्वर्ट करता है, ठीक। तो उस वो माना जाता है सबसे बेटर आपका क्या माना जाता है, माइक्रोफोन माना जाता है। तो पहले जो साउंड सिस्टम थी, पहले जो माइक थी, पहले जो माइक्रोफोन थी उसकी क्वालिटी उतनी बेटर नहीं थी, यानी हम ये कह सकते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो थी वो लिमिटेड थी, ठीक है। लेकिन बाद में याद रखिएगा, देखिए एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है, सन 1916 यानी 1996 में ईएस वेंट के द्वारा बेल लेबोरेटरी में कंडेंसर माइक्रोफोन नया, अब आपसे यह क्वेश्चन पूछेगा कंडेंसर माइक्रोफोन की खोज कब हुई थी। यहां से भी क्वेश्चन बन जाएगा कि कंडेंसर माइक्रोफोन की खोज कब हुई थी, तो 1916 में, 1916 में, और किसके द्वारा हुई थी, तो इसी वेंट के द्वारा हुई थी, ठीक है। डेवलप किया गया माइक्रोफोन में फेंट सिग्नल को पिकअप करने के लिए, फेंट सिग्नल को क्या करने के लिए, पिकअप करने के लिए माइक्रोफोन के अंदर एम्पलीफायर को बिल्ट किया गया। मतलब सिग्नल जो है एम्पलीफायर क्या करता है, आप लोग तो इलेक्ट्रॉनिक से आप देखो एक चीज, एम्पलीफायर का क्या काम है, एम्पलीफाई करना, ठीक है, मॉड्यूलेट कर देना, मॉड्यूलेशन मतलब उसकी जो एम्पलीट्यूड है उसको क्या कर देना, इंक्रीज कर देना। तो हम क्या करिए कि जो साउंड हमारा जो माइक्रोफोन था, अब ये जो माइक्रोफोन आया 1916 में, इसमें क्या लगा दिया गया कि एक एम्पलीफायर लगा दिया गया, जो एम्पलीफायर क्या करता था, एम्पलीफाई करता था, यानी मॉड्यूलेट कर देता था सिग्नल को, क्या कर देता था, मॉड्यूलेट कर देता था, ठीक है। इसे पिकअप करने के लिए एम्पलीफायर को लगा दिया गया। कंडेंसर माइक्रोफोन का इस्तेमाल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का यूज किया, जैसे एफएम होता है ना, आज एफएम की बात करते हैं, तो इस एफएम का यूज, मतलब इस कंडेंसर माइक्रोफोन का यूज हम किसके लिए करते हैं, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए करते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है अगर आपको, चलिए देखिए बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनने वाले हैं। सबसे पहले कब हमारी खोज हुई थी, 1876, उसके बाद थॉमस अल्वा एडिसन ने कब किया था, 1886 में, उसके बाद 1916 में हमारा जो पहला कंडेंसर माइक्रोफोन हुआ था, अब इसके यूज के बाद में क्या हुआ, देखिएगा ध्यान से, बाद में क्या हुआ, 1931 में मूविंग क्वाइल, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं ना, 1931 में मूविंग क्वाइल या डायनामिक, इसी को डायनामिक भी बोलते हैं, को वांट और एसी थोरेस ने बेल लेबोरेटरी में, ये सारे जो माइक्रोफोन डेवलप किए गए थे ये कहां किए गए थे, बेल लेबोरेटरीज में किए गए थे, ठीक है, ठीक, बेल लेबोरेटरीज में डेवलप किया गया था। इस डायनामिक माइक्रोफोन में नॉइज या डिस्टॉर्शन लेवल बहुत कम था। नॉइज क्या होता है, अनवांटेड सिग्नल एड जो हो जाते हैं, ठीक है, मतलब जो हमारी सिग्नल है प्योर सिग्नल है उसमें क्या होती है, अनवांटेड सिग्नल क्या हो जाती है, एड हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉइज बोलते हैं। तो यहां पे क्या होता कि अब डिस्टॉर्शन लेवल का लेवल बहुत कम था, नॉइज बहुत कम एड होती थी, समझ में आ रहा है। नॉइज जो है बिल्कुल एक तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं कि नॉइज बिल्कुल ना के बराबर हो रही थी, ठीक। अब जब माइक्रोफोन का इस्तेमाल बहुत किया जाने लगा, आज जो हम माइक्रोफोन यूज करते हैं
इसी माइक्रोफोन का बहुत ज्यादा यूज करने लगा, जब सबसे ज्यादा इसके डिस्टॉर्शन लेवल भी बहुत कम था, तो इसी माइक्रोफोन को हम लोग क्या करते थे आज की डेट में यूज करते थे। इसी साल 1931 में रिबन माइक्रोफोन ने आरसीए के द्वारा डेवलप किया गया था, मतलब एक नया माइक्रोफोन डेवलप किया गया रिबन माइक्रोफोन। फिर से यहां से क्वेश्चन आ जाएगा आपका बेटा, क्या क्वेश्चन आपका आ सकता है कि रिबन माइक्रोफोन कब डेवलप किया गया था, तो आप ऐसे कर सकते हो कि रिबन माइक्रोफोन 1931 में किया गया था। कब किया गया था? 1931 में किया गया था आरसीए के द्वारा। किसके द्वारा? आरसीए के द्वारा किया गया था। इस माइक्रोफोन को वोकल रिकॉर्डिंग और ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में हो रहा है। वोकल रिकॉर्डिंग, जैसे हम लोग स्पीच की बात करते हैं तो वोकल रिकॉर्डिंग में, तो इस माइक्रोफोन का रोल जैसे वोकल रिकॉर्डिंग की जाती है हमारे साउंड की, जैसे हम लोग फोन में होता है ना वॉइस रिकॉर्डिंग, तो इस माइक्रोफोन का यूज वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? चलिए चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, बाद में क्या किया गया 1913 में, ठीक है 1933 में, बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं यहां से। 1933 में यहां हम इसी चीज को, जो कल क्लास चलेगी तो एक थ्योरेटिकल पोर्शन तो पढ़ाएंगे ही, उससे पहले ये जो आज का हमारा जितना भी इस पीडीएफ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, एक एमसीक्यू क्वेश्चन या हम ऐसे बोल सकते हैं वन वर्ड क्वेश्चन, जिसका क्वेश्चन और आंसर बनाकर एक बार फिर से हम आपको रिपीट कराते हुए फिर आगे बढ़ेंगे आपको। ठीक है, चलिए, तो 1933 में सेरेमिक या क्रिस्टल माइक्रोफोन, जो हमारा टॉपिक है क्रिस्टल माइक्रोफोन, ये अब आया है कि 1933 में कब क्रिस्टल माइक्रोफोन, क्योंकि यही हमारा टॉपिक है क्रिस्टल माइक्रोफोन। इज दैट क्लियर? जो क्रिस्टल माइक्रोफोन है इसकी खोज कब हुई थी? 1933 में। ठीक, 1933 में हुई थी क्रिस्टल माइक्रोफोन की खोज, और जिसको किया किसने था? एस्टेटिक कॉर्पोरेशन में इन्वेंट किया गया था। कहां पे इन्वेंट किया गया था? एस्टेटिक कॉर्पोरेशन में। ठीक है, अब आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं क्या, अब यहां तक तो हम लोग माइक्रोफोन की हिस्ट्री देखे, माइक्रोफोन होता है क्या है, माइक्रोफोन की हिस्ट्री क्या है, अब जरा देख लेते हैं कि माइक्रोफोन कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है माइक्रोफोन के, तो उसके टाइप भी बता देते हैं। तो सबसे पहला टाइप है हमारा डायनामिक माइक्रोफोन। ठीक है, क्योंकि इसी का यूज हो रहा है, तो सबसे ज्यादा जो हमारा यूज हो रहा है डायनामिक माइक्रोफोन, इस माइक्रोफोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक है, यह एक सिंपल डिजाइन होता है, बिल्कुल इसमें एक क्या करते हैं कि इसमें एक मैग्नेट लगा होता है और मेटल क्वाइल के द्वारा इसको रैप कर देते हैं। जैसे कि आप देखते हो ना माइक्रोफोन होता है, तो जैसे आप माइक देखते हो ना, तो माइक पोल में क्या होता है कि एक केवल पीछे पीछे उसके एक मैग्नेट लगा होता है, तो उसे हम क्या करते हैं कि एक तरीके से मैग्नेट, जिसमें मैग्नेट होती है पीछे उसके मैग्नेट लगी होती है, और मैग्नेट को हम करते क्या है कि मेटल क्वाइल द्वारा रैप कर देते हैं। इसमें एक पतली सीट होती है जिसे डायफ्राम कहते हैं। ठीक, उस पतली सीट को क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं। ठीक, इस डायफ्राम मैग्नेट को फ्रंट एंड पर लगाया जाता है, यह साउंड वेव से वाइब्रेशन को क्वाइल तक पहुंचाता है। ठीक, सबसे बड़ी बात कि हम इसका जो बात करते हैं कि डायनामिक माइक्रोफोन होता क्या है, तो डायनामिक माइक्रोफोन एक डायफ्राम लगा होता है और ये मैग्नेट को फ्रंट एंड पर, डायफ्राम का मतलब ऊपर आप देखते हो ना जाली जैसा लगा होता है, माइक्रोफोन लेकर आइए। ठीक है, फ्रंट पर लगाया जाता है, यह साउंड वेव से वाइब्रेशन तक, यह साउंड वेव से ठीक है मैग्नेट को फ्रंट एंड पर लगाया जाता है, यह वाइब्रेशन तक क्वाइल को पहुंचाता है। इसके बाद होता क्या है कि इसके बाद क्वाइल वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिक वायर्स तक पहुंचाती है। यहां पर अगर हम बात करें तो जो पहले साउंड है वाइब्रेट करता है, जैसे हम अगर बात करते हैं हमारे कान तक, तो कान में भी एक तरीके से हमारे जो जिसको आप कहते हो ना कान का पर्दा है, ठीक है, तो जो लेयर है वो क्या करता है उस पर जाकर, या जिसको हियरिंग ड्रम बोलते हैं, हियरिंग ड्रम बोलते हैं, वो हियरिंग ड्रम पर जाकर एयर आपकी क्या होती है, टकराती है। अगर हम देखो माइक्रोफोन की बात कर रहे हैं, तो देखिए ये आपका माइक्रोफोन है। ठीक है, अगर माइक्रोफोन की बात करें
ठीक, यहां पर अगर आप देख सकते हो इजिली, आप देखो यहां पर ये लेयर लगी हुई है, ठीक है। ये लेयर क्या करती है, जैसे ही क्या करती है, इस पर जैसे आप साउंड बोलते हो तो एयर के जो पार्टिकल होते हैं इस पर क्या करते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे ही ये इस पर वाइब्रेट करते हैं, इसके अंदर लगी हुई है क्वायल, क्वायल से कनेक्ट होकर ये आगे जाती है, वाइब्रेशन को क्वायल तक पहुंचाती है। इसके बाद क्वायल क्या है, क्वायल जो है इसके अंदर जो क्वायल लगी है, ये वाइब्रेशन जो यहां पर हो रहा है उस वाइब्रेशन को क्वायल तक पहुंचाती है, और क्वायल क्या करता है इस सिग्नल को वायर के थ्रू, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं यहां पर, ठीक, इस सिग्नल को, अभिषेक उपाध्याय नमस्ते, ठीक है, ये जो इस सिग्नल को करता क्या है, वायर तक, क्वायल तक पहुंचाती है, क्वायल इसको क्या करता है आगे सेंड करता है, ठीक। अब इसके बाद क्वायल वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल वायर तक पहुंचाती है, ये इलेक्ट्रॉनिक वायर्स इस साउंड वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देते हैं, ठीक है, ठीक। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर की आवश्यकता नहीं होती है, माइक्रोफोन को बहुत ज्यादा ड्यूरेबल, ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, इन्हें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल पावर की जरूरत नहीं होती है। ये सिग्नल प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI का यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है, जब मैग्नेट को पास में ले जाते हैं तो वो इलेक्ट्रिक जनरेट करता है, एक तरीके से इसे बहुत ज्यादा एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं पड़ती है। ये ऑलरेडी क्या होते हैं, EMI पर वर्क करते हैं, जैसे ही मैग्नेट, जैसे ही साउंड होता है तो मैग्नेट मूव करना स्टार्ट करता है, और जब मैग्नेट मूव करना स्टार्ट होता है बेटा तो ये क्या होता है, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगता है, ठीक है। सेकंड आपका कंडेंसर माइक्रोफोन, ठीक, सेकंड आपकी है कंडेंसर माइक्रोफोन। ये जो होता है, ये माइक्रोफोन जो होता है ना, कंडेंसर माइक्रोफोन, इसका उपयोग ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर हम कहीं पर ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो माइक की जरूरत पड़ती है, क्योंकि साउंड तभी ना इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट होगा, साउंड वेव से इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट होने के लिए, मतलब साउंड सिग्नल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रांसड्यूसर की जरूरत पड़ेगी। वो ट्रांसड्यूसर क्या है आपका, माइक, और वो जो होता है कंडेंसर का माइक्रोफोन यूज करते हैं। मतलब आपसे देखिए यहां पर क्वेश्चन बन सकता है कि जो ऑडियो सिस्टम को वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए किस टाइप का आपका माइक्रोफोन यूज किया जाता है, क्या नाम है उसका, तो कंडेंसर माइक्रोफोन होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए करते हैं, ठीक है। अब ये माइक्रोफोन जो होती है, इनकी जो सेंसिटिविटी होती है, ठीक, और फ्लैट फ्रिक्वेंसी के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेंस, अगर आप देखते हो ऐसे माइक पे वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं, बाहर से थोड़ी सी भी साउंड अगर आती है तो ये तुरंत उसको सेंस करते हैं, मतलब इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, और इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा अप एंड डाउन नहीं होती है, बिल्कुल फ्लैट होती है। फ्लैट का मतलब जो नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड होता है वो बिल्कुल एक तरीके से कहता है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी लगभग जीरो के बराबर होती है, एक तरीके से फ्लैट होती है, ठीक है। अब ये प्रत्येक कंडेंसर माइक्रोफोन में एक फ्रंट प्लेट लगा होता है, डायफ्राम फ्रंट प्लेट लगा होता है, और एक बैक प्लेट होती है, दोनों प्लेट एक दूसरे के पैरेलल होती है, एक फ्रंट प्लेट होगा ऐसे और एक बैक प्लेट होगी, और दोनों प्लेट एक दूसरे के पैरेलल होती है। जब कोई साउंड वेव इस डायफ्राम को छूती है तो ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं, ये प्लेट है, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, और जिससे कि इन दोनों प्लेट के बीच अलर्ट होता है, इन प्लेट के बीच में परिवर्तन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में ट्रांसमिट होने लगता है। जैसे ही ये वाइब्रेट होना स्टार्ट करती है तो यहां से, मतलब ये आपकी प्लेट्स हैं, जो आपके कंडेंसर है, इस ये आपकी प्लेट्स हैं, ये स्टार्ट करती हैं क्या करना, वाइब्रेट करना स्टार्ट करती हैं। और जब ये वेव, ये वाइब्रेट करना, तो आपको मैं पहले ही बता दिया कि वेव होती है, वेव क्या होती है, डिस्टरबेंस इन मीडियम। तो जैसे ही ये प्लेट वाइब्रेट करना स्टार्ट करती है, ये क्या करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में क्या होती है, इसका ट्रांसमिशन होना शुरू हो जाता है। और आप भी जानते हो कि इनको इलेक्ट्रिक पावर की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें आंतरिक बैटरी या किसी एक्सटर्नल साउंड से मिलती है। या तो जैसे हम अगर बात करें माइक्रोफोन की, जैसे इस माइक्रोफोन की बात करें, तो पीछे इसमें क्या होता है, सेल लगा होता है, ठीक है, आंतरिक बैटरी या तो इसमें इनबिल्ड हो, या फिर इसके पीछे यहां पर क्या लगा होता है, सेल होता है, ठीक, एक तरीके से ये डायफ्राम होता है, इसमें दो प्लेटें होती हैं, दोनों आपस में क्या होती हैं, दोनों वाइब्रेट करना स्टार्ट करती हैं, कंपन होना स्टार्ट हो जाता है,
और जैसे ही कंपन स्टार्ट होता है तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में क्या होती है, परिवर्तित होना शुरू हो जाती है। अब ये ऐसे, अब जब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित होते, हम वहां पर क्या यूज करते थे, ईएमआई। ईएमआई क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वहां पे क्या होता था, मैग्नेटिक, हम मैग्नेट यूज करते थे। लेकिन अब इस अगर माइक्रोफोन की बात करें तो इसमें मैग्नेट आपका यूज नहीं हुआ है। इसको इसको क्या जरूरत पड़ेगी, आपको एक सोर्स की जरूरत पड़ेगी। सोर्स क्या है, आपकी बैटरी है, ठीक है। सोर्स आपका क्या है, बैटरी है। तो जो आपका कंडेंसर माइक्रोफोन होता है उसमें आपको एक सोर्स की जरूरत पड़ती है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग रिबन माइक्रोफोन। देखिए रिबन माइक्रोफोन, यह माइक्रोफोन इनकी हाई फिडेलिटी के लिए जाने जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है कि एक तो ये एल्युमिनियम की, इनकी जो फिडेलिटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। ये एल्युमिनियम के बने होते हैं और ये एल्युमिनियम डाई एल्युमिनियम का नॉन फिल्म बना होता है। मतलब जो वहां पर हम लोग डायफ्राम एक जैसे क्लॉथ का यूज कर रहे थे, यहां पर जो डायफ्राम हम यूज करेंगे एल्युमिनियम का। और आप एक चीज जानते हो कि जो इलास्टिसिटी होती है वो स्टील की सबसे ज्यादा होती है। अगर हम बात करें इस डायफ्राम को अगर हम एल्युमिनियम का बनाते हैं तो जो वाइब्रेशन है ना वो बहुत ज्यादा इसमें प्रोड्यूस हो जाता है, और वाइब्रेशन ज्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से जो सिग्नल हमारा कन्वर्ट होता है, साउंड सिग्नल, वो क्या होता है, हैवली क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ा होता है। हम क्या करते हैं कि जो आपका यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है आपकी, ठीक, इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड है। और जैसे ही यहां पर इस मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे ही आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ा होता है, जब कोई साउंड वेव आती है, यानी यहां पर ये पूरा कनेक्शन, ये एक तरीके से माइक्रोफोन है और एक मैग्नेटिक फील्ड, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, क्रिएट होती है। और जैसे ही कोई साउंड इस मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो जाहिर सी बात है, पहले पानी बिल्कुल शांत था, पत्थर मार दिया आपने, उसमें डिस्टरबेंस हो गया, डिस्टरबेंस का मतलब वेव क्रिएट हो गई, है ना, तभी ना आपकी तरंग क्रिएट होती है, उत्पन्न होती है। तो जैसे ही ये आपका आपका नॉर्थ टू साउथ, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो नॉर्थ टू साउथ इसमें आपकी क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। लेकिन जैसे ही कोई साउंड इसमें प्रोड्यूस होती है तो वो क्या होता है, वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और इस वाइब्रेशन की वेलोसिटी के लिए वोल्टेज जनरेट करता है, और यह वोल्टेज इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल है उसके रूप में ट्रांसमिट होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब जब रिबन माइक्रोफोन की शुरुआत होती है, ठीक है, जब रिबन माइक्रोफोन की शुरुआत होती है तो क्या होता है कि यहां पर बनाया गया था, तब आउटपुट का वोल्टेज बढ़ाने के लिए इनको ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती थी। लेकिन आजकल रिबन माइक्स में केवल हम लोग मैग्नेट लगाकर, एक मैग्नेट लगाकर इस जो माइक है उसको हम लोग इसको क्या किए हैं, डेवलप किए हैं। समझ में आ रहा है बेटा यहां तक? क्लियर है? जल्दी बताइए। अभिषेक उपाध्याय, फ्लैट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ठीक है, फ्लैट फ्रीक्वेंसी आपकी जो फ्लैट फ्रीक्वेंसी है, ठीक, फ्लैट फ्रीक्वेंसी का मतलब, पहली बात तो आप ये जानो कि जो हमारी हियरिंग रेंज है, फ्लैट फ्रीक्वेंसी का मतलब सिंपल सा होता है कि जो हमारी हियरिंग रेंज है, जो ऑडिबल साउंड होता है वो क्या होता है, 20 Hz to 20 kHz, ठीक है, 20 Hz to 20 kHz। तो इसी रेंज को फ्लैट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसी रेंज को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लैट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है अभिषेक? ठीक ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। जो पैटर्न के आधार पर भी माइक्रोफोन को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है, अगर हम इस पैटर्न की बात करें,
ठीक है, तो माइक्रोफोन जो आपका है वो पहला माइक्रोफोन किसके आधार पर, पैटर्न के आधार पर, तो कैरोडाइड माइक्रोफोन या एक हर्ट और बीन के शेप का, बीन का मतलब जो सेम की बीज होती है ना उस टाइप का होता है ये, और यह एक डायरेक्शन से ऑडियो को रिसीव करता है, इसका मुख्य इस्तेमाल जो होता है वो रिकॉर्डिंग के लिए होता है। ठीक, मतलब हम लोग इसके काम के हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, अभिषेक आपका आंसर मिल गया होगा ना, ठीक है चलिए। ठीक, तो इसका ऑडियो रिसीव करने का काम होता है, यह रिकॉर्डिंग के लिए काम किया जाता है। दूसरा आपका बाई डायरेक्शनल माइक्रोफोन, यह एक फिगर मतलब एक एट पैटर्न इस तरीके से होता है, ऐसे माइक्रोफोन होता है जो दो डायरेक्शन से ऑडियो को क्या करता है, कैप्चर करता है, मतलब दोनों डायरेक्शन से ऑडियो को करने कैप्चर काम करने का काम कौन करता है, बाई डायरेक्शनल माइक्रोफोन। ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन होता क्या है, यह एक सर्कुलर पैटर्न में, मतलब इधर ये जैसे ये माइक है, ये माइक्रोफोन है, ये आपका क्या है, ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन है।